अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ घरों में होंगे, सेफ़ होंगे, सेहत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सबको बड़े से लेके छोटे, बुज़ुर्ग, बच्चे, सबको सेहत अता फरमाए। आप सबके सदक़े में मेरे बच्चों, मेरी फैमिली को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज मैं बता रही हूँ ओजड़ी बकरे की है, मटन की है। मैंने इसे सारा साफ करके इसकी मैंने बोटियाँ कर ली है, ये देखी, अच्छे से धो लिया, साफ कर लिया। और ये देखिए स्किन इसकी सारी साफ कर ली। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से साफ की है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर आटा रखेंगे। आटा हो, चोकर हो, जो चीज़ भी हो, इसको लगा के हम कुछ देर के लिए रखेंगे। पानी क्योंकि धोया है तो इसमें से पानी निकल रहा है, इसको धो लेते हैं, अच्छे से मल लेते हैं। 10-15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें हमने डालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये दो छोटे छोटे टमाटर हैं ये डालेंगे, और ये दो मीडियम प्याज है, तो एक बड़ी और एक बहुत छोटी, तो इस तरह मान के चलेंगे दो मीडियम प्याज, ठीक है। इसे काटते हैं, फिर मसाले तैयार करके आपको दिखाती हूँ। मैंने 15 मिनट हो गए इसको अच्छे से, मैंने देखें साफ़ कर लिया, ये बेहतरीन सी हो गई है। आटे में रख के अच्छे से इसकी स्मेल ख़त्म करती है। अब ये देखें हमने ओजड़ी धो ली अच्छे से, 1 टेबलस्पून भर के, 1 से 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 छोटे टमाटर हैं और 2 छोटे प्याज हैं। अब जो चीज़ें हम इसमें डालने वाले हैं वो है 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के पिसी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून लेवल पे धनिया पाउडर। और इस तरह मैं पकाती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाती है। और ये जो सर्विंग स्पून है या कुकिंग का जो चम्मच है, ये मैंने भर के 2 ले लिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और सीटी आने तक इसे 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। फिर आपसे शेयर करें। हमने इसको 15 मिनट लिए हैं। चले फिर मैं देखती हूँ गला के नहीं, फिर मैं आपसे पता शेयर करूँ। गरम है तो मैंने सोचा कि आपको दिखाना मकसद है, ये देखिए अच्छे से हो गया, ये देखिए टूट गई, ये देखिए बेहतरीन सा हो गया। अब आ गया टाइम भुनाई करने का, अब इसे हम भून लेंगे। मटर की ओजड़ी तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट में ये अच्छे से हो गई है। देखिए प्याज टमाटर रफ से मैंने काटे थे और रफ रफ से काट के और मैंने बस इसको डाल दिया था, तो इसको भून लेते हैं। मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि कैमरा दिखा सके आपको। बोटियाँ जो है हमने बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं की और छोटी भी नहीं की, और अच्छी खासी बोटी है। मेरे जिन्हें अल्सर है या कोई प्रॉब्लम है तो वो मिर्चें कम डालें। मैंने 1 टीस्पून भर के डाला और फिर मैंने थोड़ी सी और मिर्चें डाली हैं। आप इसकी जगह काली मिर्चें डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें तो वो बेस्ट है, बीज निकाल के वो भी अच्छी लगेगी।
तो ये कई तरीके से बनती है, पर जो हमारे पंजाब में बनती है वो इस तरह की बनती है, सिंपल सादे तरीके से। और मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि रमज़ान चल रहे हैं तो ऐसे ही सहरी और अफ्तारी में हम लोग ज़्यादा मुरगन या कहना चाहिए कि गर्म मसालों वाली चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग अफ्तारी भी बड़ी ढेर सारी करते हैं, ऑयली अफ्तारी होती है, तो सालन में कोई ऐसी चीज़ें झटपट से भी बन जाती है और टेस्टी भी होती है। एक बड़ी चीज़ थी कसूरी मेथी, ये भी होम मेड है, मैंने सुखा के इसे ग्राइंडर में पीस लिया था तवे के स्टेज पे। बस एक सूखी डालेंगे क्योंकि जो ओजड़ी है वो भी एक है, तो ज़्यादा डालने से कड़वाहट पैदा हो जाएगी। किसी भी चीज़ को कड़वा करना हो तो उसकी ज़्यादती कर दो तो चीज़ ख़राब हो जाती है। मैंने बताया ना कि बिल्कुल हम सिंपल तरीके से इसको बना रहे हैं। और यहाँ पे अब डलेगा, ये देखिए दो बड़ी चुटकी पिसा हुआ गर्म मसाला, ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैं ऐसे भून लूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे, और कोशिश भी कर रही हूँ कि बहुत मज़े से भूनूँ। तारी में अभी दो ढाई घंटे हैं तो मैंने कहा चले पहले मैं ये सालन बना के आपसे शेयर कर दूँ। बस इसे जब तक भूनेंगे जब तक इसको, और हमने प्याज टमाटर की ज़्यादती नहीं की, अगर आप डालना चाहें प्याज ज़्यादा डाल दें, डिपेंड ऑफ द फैमिली मेम्बर, तो मेम्बर पर डिपेंड करता है। बेहतरीन सी होगी, साफ सुथरी। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये है मटन की मसाला उजड़ी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ नए देखने वाले सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी डिशों को, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें, उससे मेरी वीडियो आप तक पहले पहुँचेंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।